आज हम सेल्फ डिफेंस की एक स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस की हम क्या करने वाले हैं, एक टेक्निक सीखने वाले हैं। टेक्निक में आप लोगों को करना क्या है कि अपना जो हाथ है उसे इस तरह से, अपना जो कान है उसे बचा लेना है, और दूसरा आप हेड में रख लेंगे। अब इसको आप जो पहली पोजीशन मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताई है, इसमें भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आपकी जो पैर होने चाहिए वो इस तरह से आगे पीछे की बजाय थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं आप, और फिंगर को आप लोगों को ऊपर की तरफ रखना है। फिंगर और कोहनी जो है वो बीच में सेंटर में रख लीजिए। अब ये आपकी क्या है, सेल्फ डिफेंस की फर्स्ट पोजीशन है। यहाँ पर आप किसी को मना कर सकते हैं। अब इसी से हम एक दूसरी टेक्निक सीख रहे हैं, जितनी पिछली सिखाई है यहीं से सिखाई है। तो आपको क्या करना है, ये जो हाथ है वो इस तरह से आप लोगों का कान क्या करेगा, सेव करेगा, और इसे बिल्कुल आगे की तरफ रखना है, ठीक है। और ये आप लोगों का क्या होगा, सेकंड जो हाथ है उसे यहाँ पे रख लेना है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है अब इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से इसे प्रैक्टिस करेंगे। चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, 10 काउंट्स तक हम इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके रेडी, रेडी, यस रेडी, ओके चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। अब इस पोजीशन का फायदा क्या है, जैसे कि इधर आओ, यहाँ पे सेंटर में आ जाओ, पॉइंट पे रहो। जैसे ये क्या करता है, हिट करता है कोई भी, जैसे स्लैब कोई भी चीज़ हिट कर रहा है, मुझे इस कान को बचा के एंट्री ले लेनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जो ये एल्बो है ये कहाँ हिट हो रही है, यहाँ हिट होगी या फेस में हिट हो जाएगी, कहीं भी हिट होगी बहुत पेन होता है। ओके, आप घर में थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं कि कितना पेन इसमें होता है दूसरे को, क्योंकि पेन से हमें पता चलता है कि दूसरे आदमी को हमें कैसे कंट्रोल करना है, कितने अमाउंट का पेन ये टेक्निक दे सकती है। कोई भी टेक्निक अगर हम सीखते हैं तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो टेक्निक है ये कितने अमाउंट का पेन दूसरे को दे सकती है, इसी वजह से हमें पता चलता है कि इसे हम कितनी देर कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो जैसे ये आया मैंने कहा, अब दूसरा, अभी कैमरे की वजह से मैंने ये हाथ रखा नहीं था, अब मैं यहाँ पर इस हाथ को रख रहा हूँ, क्योंकि ये हाथ रियलिटी में यहाँ पे नहीं होगा, ये कहीं बाहर होगा। अब मैंने हिट किया है, और हिट करने के साथ अपना जो दूसरा हाथ है वो यहाँ पे है मेरा। अगर ये यहाँ से कहीं हाथ आता है तो आप सेफ है। अब इस हाथ को, अब आपका पहला जो स्टेप है वो क्या है, 1, ओके ये 1 हो गया। 2, इसे आप यहाँ से होल्ड करेंगे। होल्ड करने का तरीका क्या है कि अगर आपका हाथ पूरा सीधा है तो ये यहाँ से आपको ग्रैब करेगा, हिट करेगा। यहाँ से आपको कोहनी डाउन रखनी है, और यहाँ से आप लोगों को इससे शोल्डर को लॉक कर लेना है। अब लॉक कर लिया, उसके बाद आप एक तुरंत एक हिट कर लेंगे इस साइड को। यहाँ आपको क्या करना है, तुरंत यहाँ एक हिट कर लेना है। जैसे आप यहाँ कान पे हिट करते हैं, ये जो एरिया है बहुत पेन आप लोग इन्फ्लिक्ट करेगा दूसरे को, इसीलिए इसे हमने स्ट्रीट सर्वाइवल कहा है। आप लोगों को कहना हिट करना है यहाँ पर। अब हिट करते हुए आप लोगों ने किया, और फिर जब आपको लगता है कि आपको इसमें आपने इसे कंट्रोल कर लिया है, हिट करने के बाद आप इसे फेंक सकते हैं, देन यू कैन रन होम। अब यही प्रैक्टिस हम पैड के साथ में सीख रहे हैं। पैड कैसे करेंगे, टेक द पैड्स, ओके ठीक है। अब हम इसे आप दोनों यहाँ पर इसे प्रैक्टिस कर लो पीछे, मैं पूरा वीडियो मैं यहाँ पर पूरी टेक्निक बता रहा हूँ, आप दोनों इसमें प्रैक्टिस कर लो, ऑलराइट। तो अब आपको प्रैक्टिस पैड के साथ कैसे करनी है, जैसे ही ये यहाँ से स्विंग देगा, ये स्विंग देगा और इसे यहाँ पर रख लेगा, क्योंकि बार बार आप यहाँ हिट नहीं कर सकते, और आपको अपनी टेक्निक भी सही करनी है। तो जैसे वो हिट देता है तो मैंने यहाँ पे हिट किया है। हिट करने के बाद आप इसे होल्ड करेंगे, तो यहाँ तो आप हिट कर नहीं सकते बार बार, तो आप ये जो होगा यहाँ पर वो अपना एक पैड ऊपर कर लेगा। ऊपर करने के बाद पैड को पकड़ने का तरीका भी आपको वही रखना है जो आपको गर्दन पकड़ने का तरीका है, वही आपका पैड पकड़ने का तरीका होना चाहिए। एक बार इधर को दिखाएंगे, इस तरह से आपको होल्ड कर लेना है। होल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको 1, 2, 3 कर लेना है, ठीक है। चलो आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके दिस बूम, दिस 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 दिस, ओके हियर boom, this is hold, this 2, 3, now come boom, this hold, boom, push, then you can go home। so ये आपकी पूरी ड्रिल है। अब इनके साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा टोटल ड्रिल आप लोगों को किस तरह से करनी है। आप लोग भी इनको फॉलो कर सकते हैं, जितनी चीज़ें बताई गई हैं उसे पूरी तरह से फॉलो कीजिए तो टेक्निक काम करेगी। अगर किसी एक चीज़ में मिस हो जाता है
टेक्निक के बीच में से, तो वो टेक्निक काम नहीं करती है। ऑलराइट, बट ये जो है आप लोगों का, आपके कम से कम आपके हेड को सेव कर लेता है, ये जो पोजीशन है हमारी। ऑलराइट, सो ये टेक्निक आज, अगर आप इसी तरीके की टेक्निक सीखना चाहते हैं और एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं चैनल को, तो आप लोग डेफिनेटली अपना जो सेल्फ डिफेंस है उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।